तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच की जंग क्या खत्म होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल जैसी शख्सियतों के बीच में आने से क्या इस जंग पर विराम लगेगा लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो तो कुछ और ही इशारा कर रही है जी हाँ यूक्रेन और रशिया के बीच जारी ढाई साल से ज्यादा समय से ये युद्ध अब खात्मे की ओर है ऐसी संभावनाएं बन रही थी लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये बता रही है कि ये युद्ध और भीषण हो सकता है और हो सकता है कि रूस को अकेले बत्तीस देशों का सामना करना पड़े जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने नमस्कार मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस विशेष वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है अब बात हो रही है यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की जी हां सूत्र बता रहे हैं कि नाटो के 32 सदस्य देश अब इस बात की परमिशन दे सकते हैं कि यूक्रेन रशिया पर भीतर तक हमला कर सके और दूर मार करने वाली उन मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन कर सकता है अगर यूक्रेन इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है तो ये निश्चित रूप से रूस को तो भारी नुकसान पहुंचाएंगे ही साथ ही यहां संभावनाएं बन रही हैं तृतीय विश्व युद्ध के जहां तीसरा वर्ल्ड वॉर भी यहां से शुरू हो सकता है हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले ही कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो समकक्ष बड़े नेता हैं उनके बीच कोई बातचीत इस ओर इशारा कर रही है कि नाटो अब यूक्रेन की इसमें मदद कर सकता है क्योंकि दूर तक मार करने वाले उन मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन के पास अपना कुछ भी नहीं मिसाइल भी नहीं सैटेलाइट भी नहीं लॉन्चर्स भी नहीं और सैनिकों को ट्रेनिंग भी नहीं इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है और ऐसे में यूरोपीय देशों के जो नाटो के सदस्य हैं उनके बीच बातचीत होने के बाद संभव है कि अमेरिका इसके लिए मदद का हाथ यूक्रेन की तरफ बढ़ाए और जिसमें अगर अमेरिका ने यूक्रेन को इसके लिए राजी कर लिया तो संभव है कि 32 देश बनाम रशिया ये स्थिति हो सकती है और नाटो देशों से रूस का सीधा मुकाबला होगा हालांकि अभी तक जो ये युद्ध चल रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से तो यूक्रेन के साथ है लेकिन परोक्ष रूप से अभी भी रूस उन बत्तीस देशों से लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के बीच में आने के बाद वो जो कूटनीतिक दाव की बात कही जा रही थी उसका असर ये होता कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कुछ समय के लिए रुकता और फिर हमेशा के लिए लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाना होता है और ये सैटेलाइट्स इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास है उन नाटो देशों के नाटो समूह की हम बात करें उसमें और अमेरिका इस मिसाइल को यूक्रेन को यदि देता है तो यूक्रेन रूस में भीतर तक घुस के घात करेगा और ये घात बेहद ख़तरनाक होगी क्योंकि पुतिन ने इस पूरे मामले को लेकर साफ़ कर दिया है कि इस हमले से बहुत कुछ बदल जाएगा उनका कहना है कि यूक्रेन के पास ऐसी तकनीक नहीं है ये केवल यूरोपीय यूनियन के सैटेलाइट्स या फिर अमेरिकी सैटेलाइट्स की मदद से ही संभव है ऐसे में नाटो सैन्य कर्मचारियों को ही इन मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग जो दी हुई है उसका ऑपरेट करने का जिम्मा मिल सकता है उनके शब्दों से साफ झलक रहा है कि अगर अमेरिका ने इसके लिए यूक्रेन को परमिशन दी तो ये सीधा नाटो बनाम रूस हो जाएगा दरअसल कुछ रिपोर्ट्स जो अब तक सामने आई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जिस पर चर्चा होनी है कि लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए या नहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका रूस के भीतर सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने पर यूक्रेन पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा और ब्लिंकन ने यह भी कहा था कि हमें ऐसे भी सबूत मिले हैं कि रूस के पास ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं और इसका मतलब है कि रूस हमला और तेज़ करेगा और इसके लिए यूक्रेन को अपना डिफेंस भी तैयार रखना होगा लेकिन ये तो बातें हैं उसके बाद धरातल पर क्या स्थिति है इसका जवाब देने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मिसाइल से हमला करने के लिए सक्षम भी होना होगा इसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीम स्टॉमर और राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की जानकारी भी मिल रही है लंबे समय से अमेरिका से इजाज़त यूक्रेन मांग रहा है इसके संबंध में कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स का न सिर्फ सपोर्ट नाटो देशों से मिले बल्कि उन मिसाइल्स की भी उन्हें मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है और यूक्रेन ने पिछले महीने रूस में घुसकर कुछ हमले किए थे जिसका अंदर तक असर देखने को मिला था और ऐसे में अब जेलेंसकी ये चाहते हैं कि लंबी दूरी तक जो मार करने वाले हथियार हैं वो जल्द उन्हें मिलें इन प्रतिबंधों को हटाया जाए ताकि वे रूस के भीतर लंबी दूरी तक के हथियारों का इस्तेमाल कर सकें और आपको बता दें कि पहली बार अक्टूबर 2023 में यूक्रेन को लंबी दूरी की आर्मी बैलिस्टिक टैक्टिकल मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर परमिशन दी थी और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना ये लगाने में सक्षम है नाटो देश क्या इसकी परमिशन यूक्रेन को देगा ये भी देखने का विषय होगा चूंकि नाटो देश के ऊपर यू है और फिर यू में अगर ये बात जाती है तो आगे क्या स्थिति होगी क्या नाटो इसके लिए तैयार होगा और अगर ये सिचुएशन बनती है तो क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं ये भी एक अहम सवाल है इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा